हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? व्हेन सेंटेंस फिनिश्ड ऑन रहा था, रहे थे, रही थी, देन वी से दैट इट इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इन दिस टेंस वी यूज वाज, वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब कोई भी वाक्य रहा था, रहे थे, रही थी पर समाप्त होता है तब यह पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का वाक्य कहलाता है। इस टेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वी यूज वॉज विद सिंगुलर ही, शी, इट, नेम एंड आई, एंड वर्ब विद प्लूरल वी, यू, दे। अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर मेकिंग दिस सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम शोर मचा रहे थे, यू वर मेकिंग अ नॉइस। इसमें यू अर्थात तुम सब्जेक्ट है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेक किंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह अपने घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस। इसमें ही अर्थात वह हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फूल नहीं तोड़ रहे थे, वी वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। इसमें वी अर्थात हम हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, प्लकिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, किसान खेतों में हल नहीं चला रहा था, द फार्मर वर नॉट प्लकिंग देयर फील्ड। इस वाक्य में द फार्मर अर्थात किसान हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, प्लगिंग अर्थात हल चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। अगले आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनको बनाने के लिए हम वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या लड़के प्रार्थना बोल रहे थे, वर द स्टूडेंट्स सेइंग द प्रेयर। इस वाक्य में वर अर्थात क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, द स्टूडेंट अर्थात लड़के सब्जेक्ट है, सेइंग अर्थात बोल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हें धोखा देने का प्रयत्न कर रहा था, वॉज ही ट्राइंग टू डिसीव यू। इस वाक्य में वॉज अर्थात क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही अर्थात वह हमारा सब्जेक्ट है, ट्राइंग अर्थात प्रयत्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। इन लास्ट हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य, जिनको बनाने के लिए वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह आप पर हंस नहीं रहा था, वॉज ही नॉट लाफिंग एट यू। इस वाक्य में वॉज अर्थात क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही अर्थात वह सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, लाफिंग अर्थात हंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, वर यू नॉट टेलिंग अ लाई। इस वाक्य में वर अर्थात क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यू अर्थात तुम हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, टेलिंग अर्थात बोल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मिलाकर यह वाक्य बनाया गया है।
आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।